नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एमएस यूनिवर्सिटी में एसवाई बीकॉम में हमारा एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और इस सब्जेक्ट के फोर्थ यूनिट के अंदर दोस्तों जो चैप्टर्स है हमारे वो काफी ज्यादा थ्योरिटिकल कंटेंट वाले हैं। मतलब वहां पे एग्जाम्पल्स भी है पर उसके अंदर थ्योरी का बेस बहुत ज्यादा है। तो ये एग्जाम्पल के साथ साथ थियोरी के लिए भी और अगर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है तो एमसीक्यू के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। पर पॉइंट इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रिपरेशन में कंफ्यूज और बोर हो जाते हैं। तो उन लोगों को प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज मैं हूं ना। सो दोस्तों, माई सेल्फ भाविन शाह, वैसे नाम तो सुना ही होगा, जस्ट किडिंग। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज्ड हाई टेक डिजिटल क्लासेस। तो दोस्तों चलिए जल्दी से हम लोग हमारे यूनिट फोर का इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है अकाउंटिंग फॉर लीज, इसका डिस्कशन शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर हम लोग समझते हैं नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लीज। अब ये लीज वर्ड आपने कई बार सुना होगा, कई जगह पे आपने देखा होगा रेंट ऑब्लिक लीज ऐसा लिखा हुआ होता है। तो अगर मैं आपको बहुत ही आम भाषा में लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो लीज का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में कहे तो लॉन्ग टर्म का रेंट का एग्रीमेंट। रेंट नॉर्मली 11 महीने का होता है जबकि लीज होता है वो ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होता है। ये नॉर्मल मतलब सामान्य मानस की भाषा में आम मतलब था। अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि लीज की नीड क्यों होती है और उसके ऑब्जेक्टिव मतलब हेतु वो सूच है। तो देखो, लीज इज एन एग्रीमेंट बाय विच लीजर, लीजर मतलब असेट नो ओनर, प्रॉपर्टी नो ओनर, गिव्स द राइट टू यूज एन असेट फॉर गिवन पीरियड ऑफ टाइम टू द लीजी ऑन द रेंट। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये एक बिल्डिंग है जिसका ओनर है मिस्टर ए। अब यहां पे मिस्टर बी है, उसको अपना एक शोरूम स्टार्ट करना है पर वो ये जगह खरीदना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमको पता है कि प्राइस बहुत ज्यादा होती है या बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है। तो अगर इतनी महंगी असेट खरीद ली और फिर हमें बैंक की लोन पे करने में प्रॉब्लम हो गई तो यहां पे मिस्टर ए और मिस्टर बी इस तरह का एक एग्रीमेंट करते हैं जहां पे मिस्टर ए जो कि ये असेट के ओनर है वो अपनी असेट का यूज करने का राइट फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम वो बी को देते हैं जिसके बदले में वो रेंट लेते हैं। तो नॉर्मली आपको लगेगा अक्सर ये तो रेंट का जो एग्रीमेंट होता है बिल्कुल वैसा ही हुआ। हाँ वैसा ही होता है बट जैसा मैंने कहा ना कि इसका टाइम पीरियड ज्यादा होता है। रेंट नॉर्मली लीगल फॉर्मेट में 11 महीने का एग्रीमेंट होता है जबकि लीज जो है वो ज्यादा ड्यूरेशन के लिए होता है। इट इन्वॉल्व्स टू पार्टीज जो कि हमने अभी देखा, लीजर एंड लीजी। तो लीजर हम किसे कहेंगे, तो लीजर हु ओन्स द असेट मतलब ये असेट का मालिक है एंड एग्रीज टू अलाउ टू द लीजी टू यूज इट, मतलब असेट का ओनर जो कि अपनी असेट का इस्तेमाल दूसरे को जिस मतलब कि लीजी को करने की परमिशन देता है उसको कहते हैं लीजर, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इन रिटर्न ऑफ सम स्पेसिफिक अमाउंट जिसको हम लोग कहेंगे रेंट। मतलब रेंट के बदले में स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अपनी असेट का यूज करने का राइट दूसरे को देने वाला बंदा, यानी कि हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पे मिस्टर ए, उसको हम कहेंगे लीजर। तो लीजी कौन, ये बी जो कि लीजर के पास से लीजर की ओनरशिप की असेट यूज करने के लिए लेता है। अब ये जो वाले पॉइंट है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन जो कॉन्सेप्ट समझना था वो मैंने आपको क्लियर किया। अभी देखो, लीज कैन बी स्ट्रक्चर्ड टू टेक द टैक्स बेनिफिट। मेन ये लीज का एग्रीमेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि यहां पे टैक्स सेविंग काफी ज्यादा किया जा सकता है। देखो, टैक्स इवेजन ये नहीं बोल रहा हूं मैं, कर चोरी नहीं, मींस टैक्स सेविंग करना है, टैक्स प्लानिंग करना है, उसमें ये लीज एग्रीमेंट हेल्प करता है। इट कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर द ओनरशिप एट द लीज्ड असेट, लीज्ड असेट की ओनरशिप भी ट्रांसफर कर सकते, ओनरशिप मतलब मालिकी ए पाची छेले फाइनली एनी मालिकी बीने पर आप ही सके छे। एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रांसफर द रिस्क ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप नो जोखम जे छे ए पण ट्रांसफर करी दे सकाय छे आमा। इन एनी इवेंट सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन डिक्टेट्स दैट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट द लीज ट्रांजेक्शन और फाइनेंस लीज इज प्रोबेबली द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशन सब्सटेंस ओवर द लीगल फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना लीज अकाउंटिंग के अंदर यहां पर जो होता है फॉलो होता है वो सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। मतलब ये हम फॉलो क्यों करते हैं, इसकी लीगल रिक्वायरमेंट है इसलिए नहीं सिर्फ, पर
इससे जो इस ट्रांजेक्शन को यूज करने का जो बेनिफिट मिलता है वो ज्यादा है, इसलिए हम लोग ये करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप की एमएस यूनिवर्सिटी के सेशन है, कॉलेज के लेक्चर्स है, वो अटेंड करते हो बिकॉज फॉर एग्जाम्पल कि वो लीगल रिक्वायरमेंट है, कि वो जरूरी है। अब समझ में आता है या नहीं आता है, या आपने कहीं पे कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है, वहां पे आप हजारों रुपए की फीस पे कर रहे हो, वहां पे समझ में आता है या नहीं आता है, पर वो कर रहे हो बिकॉज इट इज लीगल रिक्वायरमेंट। और आप ये साहस स्मार्ट स्टडीज के सेशन देख रहे हो, क्यों? क्योंकि सर इससे समझने में बहुत अच्छा लगता है, आपकी जो नोट्स होती है, आपके जो पैम्पलेट्स होते हैं वो एक्सेलेंट होते हैं, आप जो समझाते वो बहुत बढ़िया से समझ में भी आ जाता है, हमारे दिमाग में घुस जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे, मेरा सेशन देखना आप लोगों के लिए लीगल नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, बट करते हो बिकॉज इससे फायदा ज्यादा होता है। तो ये लीगल मीन्स सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म का मतलब ये होता है कि लीगल मीन्स कंपल्सरी नहीं है, बट इसकी वैल्यू और इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसलिए फॉलो करना एडवाइजेबल है, अच्छा है। मतलब आप भी फॉर एग्जाम्पल कहीं पे और पढ़ाई कर रहे हो और बहुत हजारों रुपए की फीस पे कर रहे हो, उसकी कंपेरिजन में अगर आप साहस स्मार्ट स्टडीज या साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स पे पढ़ाई करते हो तो आपको कम फीस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाईटेक कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन मिलता है, तो ये क्या है, इससे ज्यादा फायदा होता है। तो ऑब्वियसली कि ये एडवाइजेबल ज्यादा हो गया, सिंपल है, इतना काम का नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ द ट्रांजेक्शन इफेक्टिवली ट्रांसफर द ओनरशिप टू द लीजी, देन द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन इज दैट ऑफ सेल। देखो अगर यहां पे ओनरशिप लीजी को ट्रांसफर कर देंगे, ओनरशिप मालिकी जो लीजी ने आपी दी थी, तो पची शू थी, ए बीज मालिक थे, जैसे जम के ए पोतानी बिल्डिंग नो मालिकी हक बी ने आपी दी, तो एनो मतलब थयो शू, ए पोतानी असेट पोतानू बिल्डिंग बी ने सेल करी दीधु, and should be recognized as such even though the transaction take form of a lease। मतलब transaction थायू छे lease नू, पण actually मां तो तमे तमारी ownership ज आपी दीधी छे, तो पछी आने sell तरीके ज treat करवानू, that means के substance over legal form। आई होप दोस्तों कि मैं जो आपको समझा रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, आपके जो भी फीडबैक है वो मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर आप कम्युनिकेट नहीं करते, मतलब जो हम लोग कमेंट करते हैं उसका टॉप मीन्स उनके साथ बात नहीं करते, चैट नहीं करते हैं या फीडबैक नहीं देते हैं। तो दोस्तों मैं मोस्टली आपके सारे कमेंट्स देख लेता हूं, पर मेरा जो मैक्सिमम टाइम होता है मैं आपके लिए इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशनल सेशंस, नोट्स, रिवीजन सेशंस, उसी के ऊपर मेरा ज्यादातर फोकस रहता है। इसलिए आपके जो सजेशंस होते हैं उसमें से जो काम की चीजें लगती है, अच्छा आपने कमेंट लिखा है, अप्रिसिएट किया है, वो सारी चीजें, अगर आपने कोई नेगेटिव चीज सामने लाई है तो वो मैं देख लेता हूं, पर मैं ज्यादा कम्युनिकेट वहां पे यूट्यूब पे नहीं करता हूं। आप क्लास पे आओ, आपके साथ आराम से बैठ के बातें करूंगा, कोई बात नहीं। आपका फ्यूचर का प्लानिंग होगा या आपको ऐसा है कि सर मुझे काउंसलिंग की जरूरत है, मुझे बैठना है, मुझे बात करनी है, यू कैन, यू आर ऑलवेज वेलकम टू द साहस इंस्टीट्यूट, ठीक है। और आप आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो कि एसवाई बीकॉम है, उन सबके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन को अवेल करना है लोएस्ट फीस पे तो साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड जरूर कर ले, जहां पे ये आपको सारे सेशन फुल फ्लेज डिटेल में पूरे मिलते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे टॉपिक नंबर टू की, जो कि है टाइप्स ऑफ लीज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS 19 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। ये टाइप्स ऑफ लीज वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और यहां पे दो टाइप की लीज होती है। लीज आर कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स, पहला है फाइनेंस लीज और दूसरा है ऑपरेटिंग लीज। कौन सी दो आई? फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज, जिसमें सबसे पहली है फाइनेंस लीज जो कि हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। तो इट इज अ लीज विच ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड। देखो मेन वर्ड ऑलरेडी मैंने हाईलाइट कर दिया है, वो क्या करता है, सब्सटेंशियली मतलब मेजोरिटी ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू द ओनरशिप। इंसिडेंटल का मतलब होता है कनेक्टेड, जोड़ायेलू, मतलब मालिकी हक साथ जोड़ायेला जितला पण रिस्क अने रिवॉर्ड छे ए बधा ज लीजी ने आपी देशे। बाय द लीजर बट नॉट द लीगल ओनरशिप, मतलब के आ बिल्डिंग छे जे एनी मालिकीनी छे, ए अहीं फॉर एग्जाम्पल बी ने फाइनांस लीज पर आपे छे, तो एनो मतलब आ एसेट यूज करवा माटे आपसे, और इस असेट के ऊपर जो भी यहां पे रिस्क है या जो भी रिवॉर्ड मिल सकता है ये सारे के सारे लीजी ही लेगा। हाँ बस ऐसा है कि ओनर तो ए ही रहेगा, ओनरशिप नहीं दूंगा, उसके अलावा जो भी मैं असेट आपको दे रहा हूं उसके साथ जुड़े हुए सारे रिस्क आपके, उसके साथ सारे जुड़े हुए रिवॉर्ड यानी कि बेनिफिट्स भी आपके, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे फाइनेंस लीज, ये याद रखना। इन द फॉलोइंग सिचुएशन लीज ट्रांजैक्शन आर कॉल्ड फाइनेंस लीज, कब कहेंगे, तो द लीजी विल गेट द ओनरशिप ऑफ लीज्ड असेट एट द एंड ऑफ लीज टर्म।
लीज का टाइम पीरियड खत्म होगा उसके बाद लीजर के पास से ओनरशिप मिल जाएगी लीजी को. देन द लीजी हैज एन ऑप्शन टू बाय द लीज्ड असेट एट द एंड ऑफ द टर्म. ये भी पहले पॉइंट में कह दिया वही है कि जैसे ही लीज का टाइम पीरियड खत्म होगा, 10 साल की या 15 साल की लीज है तो 10 या 15 साल का लीज का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद लीजी के पास ये ऑप्शन है कि प्री डिटरमाइंड प्राइस पे वो लीजर के पास से असेट को खरीद सकता है. द लीज टर्म कवर्स मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ असेट. और ये जो लीज होगी वो मैक्सिमम ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होगी. मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि भी असेट की लाइफ 25 साल की है तो उसका मैक्सिमम पार्ट मतलब 15 सालों से प्लस साल के टाइम पीरियड के लिए लीज को ऑलरेडी देती है. मतलब ये जो फाइनेंस लीज होती है वो नॉर्मली असेट की मैक्सिमम लाइफ को कवर कर देता है. एट द बिगिनिंग ऑफ द लीज टर्म प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज रेंट कवर सब्सटेंशियली द इनिशियल फेयर वैल्यू ऑफ द लीज्ड असेट. मतलब स्टार्टिंग में जो मिनिमम लीज रेंट डिसाइड करते हैं वो जो फेयर वैल्यू ऑफ लीज्ड असेट है उसको मैक्सिमम लेवल पे कवर कर देता है. द असेट गिवन ऑन द लीज टू द लीसी इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर. याद रखना कि मोस्टली फाइनेंस लीज पे जो असेट लीजी को दी जाती है वो कोई स्पेशलाइज्ड फीचर की होती है, कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए इस्तेमाल होती है. यूज बाय द लीजी विदाउट एनी मेजर मॉडिफिकेशन. मतलब एज इट इज ही यूज कर लिया जाता है क्योंकि वो असेट बनाई ही उस तरह से गई होती है. देन जो हमारी सेकंड है वो है ऑपरेटिंग लीज. अब ये ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, तो इट इज अ लीज विच डज नॉट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड. देखो आगे हमने क्या कहा, फाइनेंस लीज का मतलब क्या, मेजोरिटी सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड ये ट्रांसफर हो जाते हैं, उसके साथ साथ जो असेट है जो कि लीज पे दी गई है उसका मेजर पार्ट ऑफ लाइफ वो लीज एग्रीमेंट में ही आ जाता है और एट द एंड ऑफ द टर्म लीजी वो असेट को खरीद भी सकता है. जबकि यहां पे ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है, ऑपरेटिंग मतलब यूज करने के लिए, तो यहां पे सारे के सारे रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ लीज, अब ये बेस्ट मेन पॉइंट यही था, उसके अलावा ये जो पॉइंट है ये एक्स्ट्रा है. क्लासिफिकेशन ऑफ लीज इज मेड एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज. मतलब कि ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, ये जब एग्रीमेंट होता है लीज का उससे पहले इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब क्या, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में ही ये डिसाइड कर दिया जाता है कि ये ऑपरेटिंग लीज होगी या फाइनेंस लीज होगी. If at any time the lessee and leaser agrees to change the provision of lease and result in different category of lease, it may be treated as a separate agreement. मतलब पहले एक बार agreement किया, अभी for example पहले operating lease का किया था, पर थोड़े time के बाद ऐसा लगता है कि नहीं हमें काम करना है, agreement change कर देना है और हम लोग ये finance lease है उसके ऊपर shift हो जाते हैं, तो वो लोग separately इसका agreement बना सकते हैं. और ये AS 19 जो कि डील करता है अकाउंटिंग फॉर लीज, उसके अंदर कब ये एप्लीकेबल नहीं होगा, मींस AS 19 कब एप्लीकेबल नहीं होगा, ये चीज भी आपको थियोरी और एमसीक्यू के एंगल से काम की चीज है और उसके साथ एग्जांपल के एंगल से पूछना है तो भी काम लग सकता है. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 is not applicable in the following types of lease. जिसके अंदर पहला है explore natural resources. Explore इतले काढ़ो, जमीन माथी के दरिया माथी oil, gas, timber, metal, other mineral rights, coal छे, ये बदु काढ़वा माटे छे lease पर आपता होए, तो ए यहां AS 19 deal नथी करतू. Licensing agreements for the motion pictures, मतलब movie बनानी छे, films से, video recordings से, के manuscript छे, इतले story. पेटेंट और अदर राइट्स, उसके अंदर भी ये AS 19 नहीं एप्लीकेबल होता है. एंड लीज एग्रीमेंट फॉर द यूज ऑफ लैंड, क्योंकि लैंड की लाइफ तो अनलिमिटेड होती है, तो यहां पे लैंड के लिए भी AS 19 डील नहीं करता है. आई होप यहां तक की इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी. अब हम आगे का पॉइंट डिस्कस करें, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि अगर आप लोग SY BCom के फोर्थ सेमेस्टर के लिए साहस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी स्पेशल ऑफर चल रही है जिसके अंदर बहुत ही कम फीस पे आप SY BCom के एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन के लिए साहस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो. आप जहां कहीं भी जाते हो या कहीं पे भी शायद ना ज्वाइन किया हुआ हो, सभी केस में आपको एक्सीलेंट एजुकेशन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज, सुपर्ब स्टडी मटेरियल, ये सारी चीजें साहस इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करेगा. तो इसका बेनिफिट आज ही लीजिए और इसके लिए कुछ भी कंफ्यूजन है तो हमारे इन दोनों नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं.
चलिए देन हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजीज है। वैसे एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें ये सेशन काम का नहीं है, बट थियोरी के लिए और एमसीक्यू बेस्ड अगर एग्जाम है तो उसके लिए ये पॉइंट्स आपको काम लग सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है गारंटेड रीशेड्यूल वैल्यू। तो लीजी के एंगल से देखें, इन रिस्पेक्ट ऑफ लीजी देन सच पार्ट ऑफ द रीशेड्यूल वैल्यू विच इज गारंटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द लीजी, मतलब लीजी ने पहले से जो गारंटी दे दी हो भाई मैं ये वैल्यू पे इस असेट को लूंगा, तो ये है गारंटेड रेसिड्यूअल वैल्यू। और अगर लीजर की बात करें तो भी वर्ड्स सेम है, गारंटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ लीजी और बाय एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, तो उसको हम कहेंगे गारंटेड रेसिड्यूअल वैल्यू। For leaser, the residual value guaranteed by the third party can arise when the asset is leased to the third party after the first lease has expired. मतलब पहले A ने अपनी ये असेट B को लीज पे दी थी, अब B को लीज का टर्म पीरियड खत्म हो गया और यही असेट बाद में अब C को लीज पे दी जा रही है, तो यहां पे देखो उस वक्त थर्ड पार्टी का असेसमेंट होगा। तो यहां पे व्हेन द असेट इज लीज्ड टू द थर्ड पार्टी आफ्टर फर्स्ट लीज जो कि बी के साथ ही हैज एक्सपायर्ड एंड देयरफॉर इट कैन बी कॉल्ड रेसिडुअल वैल्यू गारंटेड बाय द थर्ड पार्टी टू द लीजर। देन नेक्स्ट इज अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। जो क्या है, बहुत ही सिंपल है, डिफरेंस बिटवीन रेसिडुअल वैल्यू ऑफ असेट जो कि हमने अभी डिस्कस किया जो कि लीजी बताता है या इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी एंड इट्स गारंटेड रेसिड्यूअल वैल्यू। देखो डिफरेंस बिटवीन रेसिड्यूअल वैल्यू ऑफ असेट एंड गारंटेड रेसिड्यूअल वैल्यू। गारंटेड रेसिड्यूअल वैल्यू क्या होती है, ये वाली जो कि हमें लीजी या कोई थर्ड पार्टी बताता है उसकी बताई हुई वैल्यू या फिर उस असेट की रेसिड्यूअल वैल्यू जो कि नेचुरल होती है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं अनगारंटेड रेसिड्यूअल वैल्यू। मतलब फॉर एग्जाम्पल असेट की वैल्यू हो गई 5 लाख रुपए और यहां पे लीजी ने बताया 3.5 लाख रुपए, तो ये जो डिफरेंस हुआ 1.5 लाख रुपए का उसको हम कहेंगे अनगारंटेड रेसिड्यूअल वैल्यू। देन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज इज द सम ऑफ, सम का मतलब होता है टोटल सर्वाड़ो ऑफ फॉलोइंग, उसमें क्या आता है मिनिमम लीज पेमेंट, मतलब पहला मिनिमम लीज पेमेंट लीजी लीजर ने कितलो आपसे थे फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू द लीजर एंड एनी अनगारंटेड रेसिड्यूअल वैल्यू जो कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया अकरिंग टू द लीजर, मतलब बे वस्तु नो टोटल एने कहेवाय ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, पहलू मिनिमम लीज पेमेंट अने बीजो एनी अनगारंटेड रेसिड्यूअल वैल्यू। देन नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट टर्म इज इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट इन द लीज। देखो इसमें क्या कहा है, व्हेन द लीजर गिव्स एन असेट ऑन द लीज particularly of the finance lease जो कि हमने पहले discuss की थी, finance lease जो कि ज्यादा time period के लिए होती है वो वाली lease, the total amount which he receives over the lease period by giving the asset on lease, मतलब asset को lease पे देके उसको जो lease की rent की amount मिलती है वो, and includes the element of interest plus payment of principal amount of the asset, मतलब asset नी principal amount मतलब मूल कीमत मूल value plus उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो। तो देखो द रेट एट विच इंटरेस्ट अमाउंट इज कैलकुलेटेड कैन बी सिंपली कॉल्ड इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या कहा है कि जो रेट पे यहां पे इंटरेस्ट की अमाउंट का कैलकुलेशन किया जाता है उसको हम लोग कहेंगे इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन अदर वर्ड्स इट इज इंप्लाइड इंटरेस्ट रेट एट विच लीज ट्रांजेक्शन इज डन, जे रेट ऊपर लीज ट्रांजेक्शन थयू होय ए रेट ने कहवाय इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट। मोर एक्यूरेटली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अंडर फेयर वैल्यू ऑफ लीज्ड असेट, फेयर वैल्यू दी होगी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीजर। देखो मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू द लीजर एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज ए आवे प्लस एनी अनगारंटेड रेसिड्यूअल वैल्यू जो हमने आज डिस्कस करी अनगारंटेड रेसिड्यूअल वैल्यू, तो ये बनने नो टोटल एटले फेयर वैल्यू ऑफ लीज असेट। इनका इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कंटिंजेंट रेंट, ये थ्योरी के एंगल से एमसीक्यू के एंगल से ध्यान रखने जैसा है। लीज रेंट फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स, मतलब जितलो वेचाण थसे एना अमाउंट ऑफ द यूजेज, जितलो यूज करसो एना आटला परसेंटेज तमारे आपवू पड़से, के प्राइस इंडाइसिस एटले प्राइस इंडेक्स जेम चेन्ज थतो ए प्रमाणे।
मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन इट इज कॉल्ड कंटिंजेंट रेंट. कंटिंजेंट मतलब सो अनसर्टन. देखो यहां पे क्या बोला है कि रेंट किस तरह से सेट होगा, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल. अब सेल ज्यादा हुआ या कम हुआ हमें नहीं पता है, या यूजेज यूजेज ज्यादा हुआ या लॉकडाउन है तो कम हुआ या ना हुआ, तो ये वेरिएशन में रहेगा, इसलिए इसको कहा जाता है कंटिंजेंट रेंट. तो इस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान रखना. आई होप दोस्तों कि यहां तक के पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे. अभी भी कुछ डेफिनेशंस टर्मिनोलॉजीज बाकी है और उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग लीज की और फाइनेंस लीज की, लीजर की बुक में और लीजी की बुक में क्या होती है वो आने वाला है, जो कि एमसीक्यू में एग्जाम्पल ओरिएंटेड काफी काम का है. पर यहाँ पे दोस्तों ये जो सेशन यूट्यूब पे है वो खत्म हो रहा है. आई होप कि यहां तक की इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगी. अगर आपको ये पूरा सेशन एक्सेस करना है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे अवेल करना है फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर, तो आप आज ही गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और साहस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े. हम लोग आपको पढ़ाई के लिए भी बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस देते हैं, जैसे कि फिजिकल क्लासरूम स्टडी आप कर सकते हो, जो कि ट्रेडिशनली हमारे क्लास में आके ऑफलाइन हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ आप पढ़ सकते हो. साहस इंस्टीट्यूट के डेवलप किए हुए ई क्लासेस, जो कि वर्चुअल लाइव इंटरएक्टिव सेशंस होते हैं, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको एग्जैक्टली आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसी तरह से आपको लाइव एजुकेशन रहता है, जिससे आपको ऐसा ही लगेगा कि आप हमारे डिजिटल क्लासरूम में ही बैठे हो. आप हमारे साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, आपके डाउट्स पूछ सकते हो, सब कुछ लाइव रहता है. एंड द बेस्ट साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन तो है ही, और अगर ये दो ऑप्शन में कोई स्टूडेंट गया है तो उसको ये साहस स्मार्ट स्टडीज का एप्लीकेशन का एक्सेस कंप्लीटली फ्री मिलता है. तो आप आज ही इसका बेनिफिट जरूर ले. कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हम हमारे इन नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं. ये दो जगह पे हमारे क्लासेस है तो वहां पे भी आप आके विजिट कर सकते हो. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर एंटायर करियर. वी विश कि आप लोग अपनी लाइफ में जो कुछ भी करें वो बहुत बढ़िया लेवल पे करें. सो वंस अगेन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. चलिए अब हम लोग हमारे जो साहस इंस्टीट्यूट या साहस ऐप के यूजर्स हैं उन लोगों के लिए सेशन कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट टर्म इज